है। बिजली की लाइन और मोबाइल के टावर को भी खासा नुकसान पहुंचा है। तो वन विभाग की टीम पूरी तरह से नाकाम है। पिछले चार दिनों से लगातार यहां पर आग फैलती जा रही है, लेकिन वन विभाग बजाय कार्रवाई के विभाग के कभी नए स्टाफ की कमी कोरोना रो रहा है। तो ऐसे में जो बच्चे और बुजुर्ग हैं उनके लिए खासी दिक्कत पैदा हो गई है धुएं की वजह से। इसके अलावा आग लगने से तापमान भी बढ़ रहा है। तो देखिए आप, धुएं का गुबार जो लगातार चार दिन से धधक रहे जंगलों से उठ रहा है और ये धुआं कई तरह की बीमारियों का भी सबब बन रहा है। खासतौर पर बुजुर्गों की बात करें, बच्चों की बात करें तो वो बेहद परेशान हैं। और इसके अलावा तापमान भी बढ़ गया है और जो करोड़ों की वन संपदा है वो हर मिनट में यहाँ पर खाक हो रही है। तो ये तस्वीरें आप देखें कि किस तरह से दिन रात ये जंगल पिछले चार दिनों से लगातार धधक रहे हैं और आग लगातार फैलती ही जा रही है और अब रिहायशी इलाकों तक आग पहुंचने लगी है। तो फिलहाल वन विभाग जिस पर जिम्मेदारी है इस आग को बुझाने की, वो अपने स्टाफ की कमी का रोना रो रहा है और कहीं से भी कोई प्रयास वन विभाग के नजर नहीं आ रहे। नतीजा ये है कि आग लगातार फैलते फैलते अब रिहायशी इलाकों तक पहुंचने लगी है। तो चार दिन हो गए हैं लगातार ही जंगल जल रहे हैं, लेकिन इस पर काबू नहीं पाया गया है। तो लगी थी मतलब एक बजे से, तो हमने तो कोई देखने कोई आया भी नहीं। मैं तो काम पे जाती हूँ ना तार पे, तो तार मैंने ऊपर कराई, फिर पानी पुनी डाला तो तब तक आग यही आ गई थी। तो कोई आए भी नहीं बुझाने, हमने किसी को देखा भी नहीं। तो आग तो बहुत देर से लग रही है। आग तो करीब यहाँ पे तीन चार दिन से लगी हुई है, लेकिन कल रात से जो है आग बहुत ज्यादा भड़क गई है। और हम लोग यहाँ पे लोकल भी हैं, हमारे घर एकदम नजदीक है जंगल के। ये आग जो है कितना प्रदूषण यहाँ फैला रहे हैं कि हमको सांस लेना बड़ा दुर्लभ हो गया है। इसे बहुत तेज हुई है, लेकिन अभी यहाँ पे दो परिवार यहाँ पे रहते हैं, गरीब परिवार है, मकान है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि पीछे आग लगी हुई है, जंगल पूरा जल रहा है। इन दोनों परिवारों को बहुत नुकसान हो सकता है। अस्पताल में सूचना मिली थी जिला आपदा कंट्रोल रूम से कि यहाँ पर आग लगी हुई है और दो हॉस्टल खतरे की जगह है। उसके बाद फॉरेस्ट की टीम और पुलिस प्रशासन, फायर ब्रिगेड और एसडीएम सब लोग यहाँ पर मौके पर पहुंचे और फिलहाल आग पर नियंत्रण पा लिया गया है। देखो जी, आग तो ये कल से लगी हुई है और अभी आज दिन में मेडिकल कॉलेज के जो छात्रावास हैं उनके पीछे आग लगी हुई, तो जहाँ तक फायर सर्विस की गाड़ी और पाइप गई वहाँ तक पुलिस ने और तहसील एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और अन्य स्टाफ को जो है वहाँ पर आग बुझा दी गई थी। और ये आग जो है उस समय कंप्लीट बंद हो गई थी, लेकिन ऊपर से इस समय फिर नीचे कोई आग आई है। तो इसमें कोशिश कर रहे हैं हम, देखते हैं कितने तक।